जितनी भी वीडियोज़ मुझे गैलरी से मिल रही है ना, सारी पुरानी वीडियोज़ मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ये मेरी फ्रेंड है बीच वाली, जो है येलो वाली। एक तो मैं हूँ येलो वाली, एक मेरी फ्रेंड है। तो हम लोग दोनों ना ऑफिस के बहुत अच्छे कलीग थे, मतलब एक दूसरे के कलीग थे, फ्रेंड थे बहुत अच्छे। तो फैमिली फ्रेंडशिप भी अच्छी हो गई थी। उसी की भांजी के बर्थडे पे हम लोग गए थे, थर्ड बर्थडे था, तो उसमें ही हम लोग बहुत इंजॉय किए थे। ये उसकी सिस्टर्स हैं दोनों, जो मेरे बगल में एक दीदी है, उन्हीं की बेटी का बर्थडे था। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना पुराने वीडियोस मैं शेयर कर रही हूँ, तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ना क्योंकि मैंने सोचा ना कि चलो गैलरी में पुरानी चीज़ें हैं, तो मैं क्या थी, कैसी हूँ, कैसी थी, और जो भी चीज़ें हैं ना आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि हाँ मैं कैसे रहती थी पहले, मैं कैसे मतलब इंजॉय करती थी, अभी कैसे इंजॉय करती हूँ, मतलब सारी चीज़ें। बस मुझे मन किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं सारी पुरानी चीज़ें। हमने बहुत इन्जॉय किया था, मैंने अपने दोस्तों के साथ, ऑफिस के, कॉलेज के। सच में गोल्डन पीरियड होता है, इसलिए वो जो गाना है ना, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, बिल्कुल सही है। हर पल को बहुत अच्छे से जीना चाहिए। आज मैं पुराने पल को देख के लग रहा है कि यार कितना अच्छा पल था, तो आज जो मेरा पल है ना ये भी बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में फिर मैं इसको देख के सोचूंगी यार कितना अच्छा पल था। इसलिए ना जो पल मिला है ना उसको ही खुल के जीना चाहिए हम लोगों को। इसकी प्रेयसी के भांजी के बर्थडे में ना हम दोनों ने चांद चांद लगा दिया था। लोग मतलब बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, बहुत सारे लोगों का इनविटेशन था, और सारे घर के लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा डांस किया तुम।